सर जी, जो ये पल्वराइज़र है इसको आपको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो अपने वहाँ पे। ये सब स्पेयर पार्ट उसके वगैरह साइड में दिए होते हैं मशीन के साथ। वो आपको एक ऐसा जो सलिया होगा इस तरफ फिट करना है, एक दूसरा एक तरफ यहाँ पे फिट करना है। मशीन के साथ में जो जालियाँ आती है, जालियाँ अलग अलग साइज़ में रहती है उसका। इसको जो वायर रहता है वो डायरेक्ट आपको प्लग इन करना है। साफ़ सफाई के लिए ये ब्रश दिया हुआ रहता है, प्लस ये MCB दिया हुआ है ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। ये जो रेगुलेटर है यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या चीज़ डलना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको, अगर आपको शुगर डलना है या गेहूं डलना है, बाजरा डलना है, ठीक है, या चने की दाल डलना है, सूखा मसाला, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एरो दिया है। उस तरीके से आपको इसे सेट कर देना है। जो डल रहे हो आप उस हिसाब से इसे घुमा दीजिए, ठीक है। ये एरो के उस हिसाब से ले लीजिए। ये एम्पियर मीटर दिया हुआ है, और जो इसके सारे जो डिस्क्रिप्शन है कि आपको कौन से नंबर का जाली लगा के क्या आपको डलना है, डल सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको शो किया हुआ है कि जो पल्वराइज़र है वो आपको मसाला डलना हो तो यहाँ से डालना पड़ता है, अगर अनाज डलना हो तो यहाँ से डालना पड़ता है, उसको कितने टेम्परेचर कितने वोल्टेज में काम कर सकते हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके रिलेटेड जो सारी सूचनाएँ हैं वो यहाँ पे दिख जाएगी आपको, ठीक है सर।